हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिक्सर क्लासेस। मैं शाहबाज शिरानी। आज हम क्लास 12 के 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट के एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। मैं एनसीईआरटी एग्जांपल 7.1 आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो पेज नंबर 236 पर गिवन है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक बल्ब है जिसकी पावर कितनी दे रखी है, हमें 100 वॉट दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है, 100 वॉट, ठीक है। और सप्लाई हम कितनी दे रहे हैं उसको, 220 वॉल्ट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट में हमसे बोला गया है ए वाले पॉइंट में द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यानी हमें बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड में बोला गया है बी वाले पॉइंट के अंदर द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, पीक वोल्टेज मुझे निकालना है। और थर्ड वाले में बोला गया है द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, मुझे आरएमएस करंट निकालना है बल्ब का, ठीक है। ये चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मुझे क्या क्या चीजें गिवन है और कौन कौन से फॉर्मूलाज मुझे इसके लिए यूज करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला बॉक्स में मैं आपको पहले फॉर्मूलाज बताऊंगा, फिर हम उसके बाद में सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक लाइट बल्ब दे रखा है जिसकी पावर हमें दे रखी है 100 वोल्ट। तो मैं यहाँ पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखता हूँ, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। देखिए गिवन दे रखा है हमें पावर कितनी दे रखी है, 100 वोल्ट, ठीक है। और वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई मतलब मुझे क्या गिवन है, वी आर एम एस गिवन है, ठीक है। वी आर एम एस मुझे कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बॉक्स में मैं पहला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले जो पॉइंट है यानी ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है बल्ब का, और मुझे पावर और वोल्टेज गिवन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। तो देखिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा पावर बराबर वी स्क्वायर बाय आर, और यहां से मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ये मेरी अप्रोच है, ठीक है। मैंने अभी देखा कि मुझे क्या गिवन है और जो चीज गिवन है मुझे उसके हिसाब से मैंने क्या करा, फॉर्मूला यूज में लेने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे और इससे इस फॉर्मूले को यूज करके हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ठीक है। सेकंड वाले जो क्वेश्चन है यानी बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे पीक वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया है और मुझे गिवन क्या है, वी आर एम एस, ठीक है। तो सेकेंड वाले में मैं क्या यूज करूंगा, या फिर आप बी कहो, बी वाले में मैं क्या यूज करूंगा, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट टू। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा था और इस फॉर्मूला को मैं यूज करके यहाँ से पीक वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। और लास्ट में जो सी वाला क्वेश्चन है यानी थर्ड, उसको उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, आरएमएस करंट फाइंड आउट करना है बल्ब का। तो आरएमएस करंट फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, आई आर एम एस इक्वल्स टू मैं करूंगा वी आर एम एस अपॉन आर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों फॉर्मूलाज में यूज में लेकर और ये जो तीनों क्वेश्चंस मुझे गिवन है इन तीनों क्वेश्चंस के वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, मैं फॉर्मूला जानता हूं पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। अब मुझे यहाँ जो वी गिवन है एक्चुअल में वो वी आर एम एस गिवन है, तो मैं वी आर एम एस लिखूंगा। आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आर बराबर वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन P, पावर। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं, देखिए मैं डायरेक्टली 220 का स्क्वायर इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, अपॉन पावर कितनी है नीचे, 100, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट गया, यहाँ जीरो से जीरो कट गया, और सॉल्व करने पर मेरे पास क्या वैल्यू आई, सॉल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी 484 ओम, ठीक है। तो ये फर्स्ट आंसर मेरे पास आ चुका है, ठीक है, रेजिस्टेंस में निकाल चुका हूं। अब सेकेंड वाला करते हैं हम, बी वाला, इसमें पीक वोल्टेज निकालना है मुझे, तो मुझे क्या गिवन है, देखिए वी आर एम एस गिवन है और वी नॉट फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वी नॉट इक्वल टू वी आर एम एस रूट टू, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना है मेरे पास, 220 इंटू रूट टू, ठीक है। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए 311 के करीब आएगी, यानी अप्रोक्स 311 आएगी, ठीक है। और लास्ट जो
सी वाला पॉइंट है उसमें मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है आरएमएस करंट। तो आई आरएमएस बराबर मेरे पास क्या होगा, वी आरएमएस अपॉन आर, यानी 220 अपॉन 484। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.454 एम्पियर, ठीक है। और चाहो तो हम इसको एक और फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, वो जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो क्या है देखिए मैं आपको बता दूं। आई आर एम एस बराबर होगा पी अपॉन वी आर एम एस। तो पावर कितनी है हमारे पास 100 और वी आर एम एस कितना है 220। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 0.454 एम्पियर, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझें। थैंक यू।